रोशन परिवार है अपसेट, सनी बनेंगे पॉलिटिशियन, कैटरीना हुई बेहोश, संजय गुप्ता की फिल्म की पब्लिसिटी की हुई चोरी, लाहौर का प्रीमियर, विवेक के राज, प्रियंका ने रिप्लेस किया अक्षय को, करीना कपूर बनेंगी मॉम, ऐशा को मिल रही थी बेकार फिल्में, रणबीर दोबारा बने ब्रांड एम्बेसडर, राइट या रॉन्ग की सक्सेस पार्टी। रोशन फैमिली आजकल सुनैना रोशन से काफी नाराज है क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को बिना बताए दूसरी शादी की और इस वजह से उनके बीच में काफी टेंशन्स चल रहे हैं। राइट या रॉन्ग के बाद अब सनी देओल दूसरी फिल्म में नजर आएंगे जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बेस्ड होगी। इस फिल्म में हमें शायद सनी देओल के साथ इमरान खान भी नजर आए। कैटरीना कैफ आजकल काफी बिजी हैं, इतना कि उन्हें पूरी नींद भी नहीं मिलती और इसीलिए 30 मार खान के सेट्स पर बेहोश हो गईं। वैसे कैटरीना के लिए शूटिंग कैंसिल करवाने ही वाले थे मगर ब्रेव कैटरीना ने थोड़ा आराम करने के बाद शूटिंग कंप्लीट की। संजय गुप्ता काफी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी अगली फिल्म द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाइज की पब्लिसिटी मटेरियल किसने चुराई, जबकि ये फिल्म फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को रिलीज होने वाली है। फिल्म लाहौर का प्रीमियर हुआ मुंबई के सिनेमैक्स में, जिसमें नजर आए फिल्म के एक्टर सुशांत सिंह, नफीसा अली और फिल्म की बाकी कास्ट और क्रू। ये फिल्म आज सिनेमा घर में दिखाई देगी। विवेक ओबरॉय की 3 किसेस के बारे में तो काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी खुद विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। Suddenly you have to hold this girl and you have to kiss her in front of 350 unit members, 700 eyes staring at you. And you're supposed to look really like lost in love and kiss and all that. So I was kind of awkward. I was like, okay, ye karna hai kya, zaruri hai. So I felt like suddenly I was the heroine of the film. But it was really sweet because all my actresses, especially Aruna, was like, don't worry. I've done this many times before. I'll take care of you. वैसे इस फिल्म में विवेक की याददाश्त खो जाती है और वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश करते हैं, तो कहीं ये गजनी को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं? We're not गजनी, definitely not. वैसे विवेक ने इस फिल्म में सही स्टंट्स करने के लिए काफी ट्रेनिंग ली और इसके बारे में काफी कुछ बताया भी। वैसे आपको बता दें, इंटरव्यू में विवेक अपनी ट्रेनिंग से ज्यादा अपने बारे में बात कर रहे थे। वेल, इस फिल्म में बेस्ट स्टंट्स और बेस्ट म्यूजिक सुनाई दे रहा है। इन शॉर्ट, ये फिल्म है सुपर हीरो फिल्म। खबर दो जहां से मैं हुआ, ओ मेरे खुदा, दिल हुआ फिदा, हादसा ये न जाने कब हुआ, ओ मेरे खुदा। सिर्फ मैं आऊंगा, पलकों में मैं तो रह जाऊंगा, यादों में अक्स होगा मेरा, किसी को मिलेगा नहीं मेरा पता, ओ मेरे खुदा, दिल हुआ फिदा, बेखबर दो जहां से मैं हुआ, ओ मेरे खुदा, दिल हुआ फिदा, हादसा ये न जाने कब हुआ। कुमार जो शो होस्ट किया करते थे, अब उसे प्रियंका चोपड़ा होस्ट करेंगी, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर की माने तो वो हैं काफी फिट और अक्षय की जगह में हो सकती हैं फिट। करीना कपूर अब बनेंगी मॉम, जी हाँ, ऑन स्क्रीन मॉम, अपनी अगली फिल्म राव 1 में। वैसे करीना एक 8 साल के बच्चे की ग्लैमरस मॉम बनेंगी, जिसकी स्टाइलिंग मनीष मल्होत्रा करेंगे। इस फिल्म में हमें करीना के साथ साथ शाहरुख खान भी नजर आएंगे। इतने दिनों तक कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी की फिल्म टेल मी ओ खुदा से ऐशा देओल को रीलॉन्च किया जाएगा, मगर हेमा जी का कहना है कि ऐशा को कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल रही थी और वैसे भी बेकार मूवी करने से अच्छा है कि घर बैठे रिलैक्स किया जाए।
जितनी फिल्में रणवीर साल में नहीं करते उससे ज्यादा वो प्रोडक्ट्स एंडोर्स कर रहे हैं और अब ये बने हैं आईटीसी जॉन प्लेयर के ब्रांड एम्बेसडर। फिल्म राइट योर रॉन्ग लास्ट वीक रिलीज हुई और इस फिल्म की सक्सेस में पार्टी दी गई जिसमें नजर आई फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू। एंटोनियो बंडारस बने गुडविल एम्बेसडर, परवीन दबास की किसने की मदद, बिपाशा के 9 लुक्स, ऐश्वर्या ने की तमिल में बात, सुशे अमृता की स्टाइल आइकन, फॉक्स स्टार स्टूडियोज की अगली फिल्म, ऋतिक ने मारा बाबरा को थप्पड़, पूजा बेदी की लाइफ में है कोई, डीनो निली क्रिकेटर्स से मदद, रणधीर कपूर की पंक्चुअलिटी, हंसिका मोटवानी हुई इंजर्ड, नंदिता दास की शॉर्ट फिल्म। द लेजेंड ऑफ जोरो इस फिल्म में नजर आने वाले स्पेनिश एक्टर एंटोनियो बंडारस को रिसेंटली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर चुना गया जिसके जरिए वो वर्ल्ड पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ही सेड, पॉवर्टी रॉब्स अस ऑफ आवर पोटेंशियल एज पीपल, प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम बीइंग ऑल दैट वी कैन बी। दिस इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मोबिलाइज ऑल आवर एफर्ट्स टू डिफीट इट। घोसला का घोसला और मॉनसून वेडिंग में अपनी एक्टिंग स्किल्स का नमूना दिखाने वाले एक्टर परवीन दबास अब एक फिल्म डायरेक्ट करेंगे जिसके टाइटल को लेकर वो थे काफी कंफ्यूज्ड, लेकिन एक सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से उन्होंने फिल्म का टाइटल फाइनलाइज कर दिया है जिसका नाम होगा सही धंधे गलत बंदे। अगर प्रियंका चोपड़ा व्हाट्स योर राशि में 12 लुक्स में नजर आ सकती हैं, तो बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा क्यों नहीं। जी हाँ, बिपाशा भी अपनी अपकमिंग फिल्म पंख में 12 तो नहीं लेकिन 9 डिफरेंट लुक्स में जरूर दिखाई देंगी। ऐश्वर्या राय रिसेंटली एक तमिल फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर जा पहुंची और इस इवेंट में आए लोग सरप्राइज्ड हो गए जब ऐश ने तमिल में बिल्कुल फ्लुएंटली बात की। वेल ऑब्वियसली ऐश्वर्या रजनीकांत के ऑपोजिट तमिल फिल्म एंधीरन जो कर रही हैं, तो तमिल बोलने की प्रैक्टिस तो करेंगी ही ना। विवाह इस फिल्म में एक सीधी साधी लड़की का किरदार निभाने के बाद अमृता राव ने बोल्ड और मॉडर्न लुक अपनाया जिसके लिए उन्हें काफी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले और जब अमृता से पूछा गया कि उनकी स्टाइल आइकन कौन है, तब उन्होंने सुष्मिता सेन का नाम लिया। लव मास्टर के बाद डायरेक्टर रोहन सिप्पी और अभिषेक बच्चन दम मारो दम नाम की एक फिल्म में एक साथ काम करते दिखाई देंगे और इस फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज प्रोड्यूस करेगी। ऋतिक रोशन और बाबरा मोरी के ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में कई बार सुनने को मिला, मगर क्या आपको पता है कि ऋतिक ने बाबरा को सेट्स पर थप्पड़ भी मारा था। डोंट गेट अस रॉन्ग, वो थप्पड़ तो मजाक में मारा था। दरअसल एक सीन के दौरान बाबरा को ऋतिक को थप्पड़ मारना था। पहले तो फिल्म के डायरेक्टर ने उस शॉट को ओके किया, मगर बाबरा के कहने पर उन्होंने ये शॉट वापस लेने के लिए कहा। अनुराग और बाबरा के इस प्रैंक को ऋतिक समझ गए और उन्होंने डायलॉग्स खत्म होने पर खुद ही बाबरा को थप्पड़ मार दिया। पूजा बेदी की लाइफ में कोई आया है, मगर इसके बारे में पूजा अभी बात नहीं कर रही, वक्त आने पर सब कुछ बता देंगी। तो अगर कल आपको उनके किसी लिंकअप के बारे में पता चले तो चौंक मत जाना। दिनो मोरे अपने नए बिजनेस वेंचर के लिए इंडियन क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह से मदद ले रहे हैं। Yes, they lend their face to Dino's venture of signature merchandise. रणधीर कपूर जो कि पिछली बार अरमान इस फिल्म में नजर आए थे, अब लगभग 7 सालों बाद बिग स्क्रीन पर एक बार फिर नजर आएंगे। पर कहा जाता है कि आज भी रणधीर जी सेट्स पर शार्प 9 बजे पहुंच जाते हैं, फिर चाहे उन्हें दिन में बस एक शॉट ही क्यों न देना हो। हंसिका मोटवानी दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी कि उनका एक टेरिबल एक्सीडेंट हो गया एंड शी टोर हर लेग लिगामेंट। इतना दर्द सहने के बावजूद हंसिका ने शूटिंग खत्म की और शॉट देने के बाद ही हंसिका ने मेडिकल हेल्प ली। अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म फिराक को मिले सक्सेस के बाद नंदिता दास अब एक शॉर्ट फिल्म करने की तैयारी में हैं, जिसका नाम रखा गया है आई एम एंड शील प्ले अ वुमन हु वांट्स टू हैव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।